अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। अगर आप सभी लोगों को इस श्लोक का मतलब पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जैसा कि आज हम आ पड़े हैं बधाइयों की उस धरती पर जहां पर कई सितारों ने और जन्म लिया है और भी जन्म वो लेते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ करना तो बहुत कुछ चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ अभी भी कर रहे हैं लेकिन वो अपने आप को या तो छुपा रहे हैं या फिर वो अभी भी छुपे हुए हैं। लेकिन हमारा काम तो उन्हें उजागर करना है। अगर VIP आगे आ रहा है तो कॉमन मैन को भी आगे आना ही होगा अगर वो कुछ कर्म कर रहा है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत कभी विफल नहीं होता। तो इसी विफलता की ओर हम ना बढ़ते हुए कामयाबी की राह को पकड़ते हुए हम आ पड़े हम मिस्टर आयान साहब की, जो एक बहुत ही अच्छे क्राफ्ट है, मतलब कहूँ तो क्राफ्ट बनाते हैं, बहुत ही अच्छे क्राफ्टमैन कह सकते हैं हम उन्हें। जैसे कि स्पाइडरमैन होता है, बैटमैन होता है, उसी तरीके से क्राफ्टमैन भी होता है। तो हम मिस्टर आयान वाजपेयी जी के यहाँ आ गए हैं जो बहुत ही अच्छा क्राफ्ट बनाते हैं और यहाँ तक कि इनका क्राफ्ट और दुकानों पर सेल भी होता है। तो इन्होंने अपना पैशन प्रोफेशन में कैसे बदल लिया, आइए मुलाकात करते हैं इन्हीं से ही। तो आयान भाई, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में प्लीज ऑडियंस को बताएं कि ताकि वो ये जान सकें कि बधाइयों हैज द पावर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन हर कोई अच्छा बोल नहीं पाता, हमें ये भी पता है। तो अगर कुछ मिस्टेक्स हम लोगों से भी हो जाए तो करेक्शन के लिए हमेशा फीडबैक हमेशा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो प्लीज आयान साहब, आपका पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं अपनी बात रख सकता हूँ। मेरा नाम आयान वाजपेयी है और मैं BA लास्ट ईयर का छात्र हूँ। मेरी शुरुआत 2015 से हुई थी, जब से मैं क्राफ्ट कर रहा हूँ। तब से मैं एज ए प्रोफेशन नहीं करता था, मेरा सिर्फ पैशन था कि मैं क्राफ्ट को देखता था, ऑनलाइन सीखता था और इसको करता था। इसके बाद 2020 आया जहाँ पर मैंने सोचा कि चलिए जो मेरा क्राफ्ट है मुझे अब इतना आता है कि मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ कि शायद लकीली हो जाए कुछ। तो उसके बाद यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई 10 मई 2020 से, 10 मार्च 2020 से शुरू हुई। फिर इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने शुरू किया 21 मार्च से लॉकडाउन लग गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए, कि एक बहुत बड़े मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़े थे और लाइक रास्ते में इतना बड़ा पत्थर आ गया था। खैर, हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लोग लगे रहे, हम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ सोचते रहते थे कि हमको बनाना क्या है और जितना हमारे पास मटेरियल होता था उस पर हम लोग काम करते रहते थे। अच्छा, फिर ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा। धीरे धीरे लोगों को पता चला KD क्रिएशंस के बारे में। हम लोगों ने सबसे पहले एक सेल्फी कॉन्टेस्ट भी करवाया था बधाइयों में, जिसमें से बाहर से लोगों ने भी हिस्सा लिया था और लगभग बाहर के ही जीते भी थे बधाइयों वालों ने, थोड़ा सा प्रयत्न कम किया। लाइक बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं, बहुत लोग सराहते भी हैं, बहुत लोग कहते भी हैं भाई थोड़ा डिस्काउंट दे दो। अब हम लोग सबसे पहली बात यह है कि आप बाहर का कंपेयर करोगे तो हम लोगों का जो प्राइस है वो सबसे कम ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग खुद खरीदने जाएंगे तो हमको कितना महंगा लगेगा वो। बिल्कुल, हमारी साइड से पूरा प्रयत्न रहता है कि हम जो भी दे रहे हैं उसको अच्छे से अच्छा दें और जितने भी लोग हैं वो सिर्फ खुश हों, है ना। एक तरीके से हम लोगों का कार्य ये है कि हम खुशियाँ बांटें लोगों में, ज्यादा से ज्यादा बांटें। मतलब आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होके जाए एक तरीके से, जी बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में अगर आप इनकी क्राफ्टिंग देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा और इनकी एक दो जो वीडियो होंगी मैं उनके लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो प्लीज मुझे अपनी वीडियो के लिंक दे देना कि ताकि जो भी इंस्टाग्राम पे हो कि ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें जी। तो सर, आपने, मैं एक सवाल पूछूंगा, आपने पढ़ाई इतनी ना सोचकर इसी काम को क्यों तरजीह दी? एक्चुअली छोटे से ही ये बात थी कि मैं पढ़ना चाहता भी था, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल पढ़ाई से दूर भागता था, लेकिन मेरा ध्यान दूसरी जगहों पे ज़्यादा लगता था। जैसे सबसे पहले तो मेरा क्राफ्टिंग ही हो गया, मैं वीडियोस देखता था इनके और फिर उसके बीच में आ जाती थी पढ़ाई, तो कभी कभी मैं पढ़ाई स्किप करके इनको देखने लग जाता था। अच्छा, तो यही सब कुछ चलता रहा। मैं वैसे तो लास्ट बेंचर हूँ सच्ची बताऊँ सबको, तो अब यही होता है कि आप हर चीज़ ज़िंदगी से ही सीखते हो, हर चीज़ आपको कोई बड़ा इंसान या फिर कोई छोटा इंसान बनाते। तो शुरू में तो सब कुछ ऐसा चलता रहा, फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए
अब यही आजकल का होता भी है कि जब लड़का बड़ा होता है तो जब उसको नई नई बाइक चलानी आती है वो 70 चलाता है, फिर जब धीरे धीरे जिम्मेदारियां आती हैं तो धीरे धीरे उसकी बाइक भी 40 पर आ जाती है। यही कुछ हुआ हम लोगों के साथ भी, हम लोग लगे रहे, फिर हमने इसके बारे में सोचा कि यार लाइफ में भी कुछ करना है। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि समाज की क्या हालत है, तो यही सब कुछ चलता रहा। और डिग्री तो सबको जरूरत पड़ती है बिल्कुल आजकल, तो फिर दूसरा रिजर्वेशन इतना है तो आपको डिग्री हर चीज़ में चाहिए ही होगी, तो फिर इसी के साथ में हम लोग डिग्री के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इसके और साथ में आप और कुछ काम कर रहे हैं, मतलब आपने या सिर्फ अपने ये जो पैशन है, जो आपकी जी क्राफ्टिंग करना एक बहुत बड़ा पैशन है, उसको ही सिर्फ आपने पैशन बनाया है अपना, आई मीन टू से प्रोफेशन बनाया है, या फिर इसके अलावा भी कोई काम कर रहे हैं आप? अभी फिलहाल मैं पढ़ाई के अलावा सिर्फ अपना इसी पे ध्यान दे रहा हूँ और इसी को और बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ इस घर से काम कर रहे हैं, और अभी मैं आपको बताऊँ तो हम लोग का सिर्फ बदायूं तक नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई होती है, अच्छा और जो हमारा जो भी सामान रहता है वो सब भी हम बदायूं से नहीं खरीदते, बाहर से ही खरीदते हैं। तो सब कुछ ऐसा ही अभी चल रहा है, फिर धीरे धीरे इसी को बड़ा करने का मौका है हम लोग को। तो वैसे आप इतनी जो क्राफ्टिंग करते हैं जी तो क्राफ्टिंग में कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पता होगा बेहतर तरीके से कि एक अगर क्राफ्ट हम बना रहे हैं जी तो वो कितना टाइम ले लेता है? अगर मैं आपको लगातार काम करने का बताऊं तो कम से कम 20 से 24 घंटे आराम से लग जाते हैं। अब हम लोगों को थोड़ा टाइम रखना भी पड़ता है अपने पास, लाइक हम 24 घंटे कंटिन्यू काम नहीं कर सकते, तो जो भी अर्जेंट ऑर्डर्स होते हैं उन पे हम लोगों को अपनी नींद भी गंवानी पड़ जाती है, काम करना पड़ता है। बट वैसे जो भी टाइम लगता है वो हम 2 से 3 दिन का मान के चलते हैं, और जो बाहर का टाइम होता है जो आपको बाहर सप्लाई करनी होती है उसमें कम से कम 7 से 15 दिन लगते हैं, क्योंकि हम तो अपनी साइड से जल्दी बना देते हैं बट जो डिलीवरी होती है उसमें टाइम लगता ही है। तो डिलीवरी आप बाय स्पीड पोस्ट के द्वारा करते हैं या फिर नॉर्मली पोस्ट करते हैं? एक्चुअली इसके लिए हम लोगों ने शिप रॉकेट रखा है। शिप अच्छा रॉकेट एक तरीके की कंपनी है जिसने बाकी सारी जो डिलीवरी वाली कंपनियां हैं उनको अपने अंडर रखा हुआ है, तो हम अगर हमें कहीं भी भेजना होता है तो हमको ये नहीं है कि सिर्फ डिलीवरी से जाएगा या सिर्फ DTDC से जाएगा, हमें जो भी सुटेबल मिलता है हम मोबाइल से उसको सब कुछ कर देते हैं। अच्छा जी तो आप जब ये क्राफ्ट बनाते हैं तो क्या आप पहले से माइंड को सेट कर लेते हो कि एक्चुअल में इसका जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा होना चाहिए, या एक रैंडम बनाते हैं आप? सबसे पहले तो हम लोगों को क्लाइंट से मिल जाता है फीडबैक जो भी होता है कि उसको कैसा चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी हमको बताया जाता है कि बर्थडे के लिए है या फिर किसी भी चीज़ के लिए, बेबी को देना है या फिर वाइफ को देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्री प्लान करते हैं और उसको एक जगह नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद वर्क स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ही लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसको टोटल को मिला के, है ना? जी जी सिर्फ क्राफ्टिंग को मिलाकर 2-3 दिन नहीं मान सकते हैं ना? उसके पीछे का जितना भी हम लोगों को काम करना पड़ता है, छोटी से छोटी कटिंग होती है और ऑनलाइन का आपका काम होता है, इसके अलावा फोटो सेट करने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को पहले से सोच के रखनी पड़ती हैं कि हम लोगों को ये सब करनी है तब जाके एक क्राफ्ट निकल के आता है। तो आपको क्या लगता है कि आपका क्राफ्ट और लोगों से बेहतर है? ये मैं ये कभी बड़ा नहीं मान सकता। बड़ा सवाल है एक्चुअल में, और जो कि मैं ज्यादातर क्राफ्टर हो या किसी से भी पूछता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपने कंटेंट पे क्या है। मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि जो भी लोग हैं जो भी क्राफ्ट कर रहे हैं उन लोगों को कंटिन्यू रखना चाहिए, लाइक आप किसी से उसकी कला नहीं छीन सकते, आप पैसा छीन लोगे बट कला नहीं छीन पाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझसे बेहतर है या कोई मेरे से खराब बनाता है, हम सब लोग बराबर हैं और इसी के साथ हम लोग चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं मुझे नहीं मिल रहे तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है या फिर उसे मुझसे कोई प्रॉब्लम है, हम सब लोग साथ में रहते हैं, दोस्ती के साथ रहते हैं और इसी के साथ काम भी करते हैं। चलो यह तो अच्छी बात है कि प्रोफेशन भले ही है लेकिन उस प्रोफेशन में किसी को दुख तकलीफ नहीं देते हैं लोग, किसी से जलन नहीं होती है लोगों को, बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, वरना आजकल के तो यही होता है कि आयान भाई का प्रोडक्ट बिक गया, अरे आयान का कैसे बिक गया प्रोडक्ट यार, हमारा क्यों नहीं बिका, है ना? तो इसी जलन में वो जलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोगों में। तो अगर आयान भाई मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो करूँ तो आप क्या एज अ क्राफ्टर के रूप में लोगों को देना चाहते हैं जो क्राफ्टिंग में आना चाह रहे हैं या फिर वो क्राफ्ट इस समय जो कर रहे हैं उनके लिए आपके पास में क्या ऐसे शब्द हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा राहत दें? देखिए कड़वी सच्चाई ये है, अगर मैं आपको अपने जानने वाला या फिर कुछ भी समझ के बताऊं तो सबसे पहले आपको सपोर्ट ना के बराबर मिलता है, जो भी आपको खुद से करना होता है
तो फिर आप अगर आपको कुछ भी ऐसा सुनने को मिलता है कि ये मत करो या फिर इसमें कुछ नहीं रखा है सरकारी जॉब कर लो, और अगर आपका मन है ये सब करने का तो आप करो, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी बनाओगे नहीं बिकेगा कोई बात नहीं, आप आज बनाओगे कल बनाओगे, ऐसा नहीं आपको कोई देख नहीं रहा, आपको दुनिया देख रही है, बट आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए बोलने के लिए और अपनी चीज़ दिखाने के लिए। तो अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है दिखाने के लिए, तो आपका जो भी गूगल है, इंस्टा है, फेसबुक है, आप यहाँ जाइए, यहाँ अपना नाम बनाइए, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स डालिए, लोगों को दिखाइए, अपने आप से शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप शेयर करोगे तो लोग आपको देखने ही आ जाएंगे, जल्दी कोई नहीं आता देखने, मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा आप जो भी चीज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ज़रूरी नहीं क्राफ्टिंग हो या कुछ भी हो, आप लोगों की चीज़ों पर ध्यान मत दो। अगर आपको अच्छी बात सुनने मिल रही है तो आप एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। ये नहीं है कि आपको एक ने तारीफ कर दी तो आप उसको लेके बैठ गए कि हाँ उसने मेरी तारीफ करी थी, अब मैं अच्छा लग रहा हूँ, अब मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। आप मेहनत करो, आप सीखो, जैसे मैं सीख रहा हूँ ऐसे ही आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ, आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। क्या बात है, जैसा कि आपने राहत देने वाले शब्द और अधर्म से धर्म की ओर ले जाने वाले शब्द और जहर से अमृत की ओर ले जाने वाले शब्दों को सुना, तो इसी जहर से अमृत की ओर जो जा रही है हमारी धारा प्रवाह वीडियो के द्वारा, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रवाह करें कि ताकि वो लोग जहर पीने से बच जाएं, जिसकी वजह से वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरे लोगों को भी। तो इस ऐसी इनिशिएटिव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। चलते हैं इसी आशा के साथ में कि एक नए चेहरे और एक नई उम्मीद, नई किरण को जगाने के लिए एक बार फिर से इसी चैनल पर हाजिर होंगे एक नए अंदाज में। धन्यवाद।